हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर टू पढ़ेंगे ईदगाह। ईदगाह का मतलब होता है ईद, यानी जब ईद जब मनाते हैं उस समय पर नमाज पढ़ने की जो जगह होती है उसे ईदगाह बोलते हैं। इस चैप्टर को लिखा है प्रेमचंद ने, जिनका पूरा नाम था मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म 1880 और निधन यानी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिसको अभी हम बनारस के नाम से जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश में के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। उपनाम यानी निकनेम जो होता है ना, आप जिसको इंग्लिश में निकनेम बोलते हो उसको उपनाम बोलते हैं। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक यानी टेंथ उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए, प्रगतिवाद यानी हमेशा प्रगति करना, उन्नति करना, ठीक है, उसकी चेतना को, यानी हमेशा हमको उन्नत होना चाहिए, हमेशा हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा अपने आप को विकसित करना चाहिए। तो ऐसी चेतना को उजागर यानी सबके सामने लाने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। अमर यानी जो कभी भी नहीं मरने वाली। ये कहानी हर किसी को याद है, हर किसी को पता है, पहले से ये कहानी चलती आ रही है। कहानी का बाल नायक यानी इसमें एक जो लीड हीरो है वो एक बच्चा है, हामिद, अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके, बाल सहज यानी अपने बच्चों की जो इच्छाएं होती है उसको दमन करके यानी उसको दबा करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। इसमें क्या कि दादी के प्रति प्रेम तो प्रकट होता ही है, लेकिन उपयोगी चीज़ हम कहीं पर जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ें खरीद के ले आते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, यूज़लेस है। तो उपयोगी चीज़ें खरीदने के लिए और विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। ओके, भाव विभोर हो जाना यानी गदगद हो जाना, प्रसन्नता के मारे, एक ऐसे फीलिंग्स जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लेकिन आप अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर पाते, तो उस स्थिति को बोलते हैं भाव विभोर हो जाना। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई है। अभी आपको पता है ये रोज़ों का टाइम चल रहा है, तो आप इस चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि रमज़ान के 30 दिन पूरे होते हैं तब ईद आती है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात यानी सुबह, कितनी अच्छी सुबह है। जब हम कोई अच्छा त्यौहार मनाने के लिए एक्साइटेड होते हैं तो वो रोज़ सुबह वही होती है, लेकिन उस दिन की सुबह, उस दिन के जो त्यौहार होता है उसकी सुबह हमें बहुत अच्छी लगती है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहा है। यानी ये चांद और सूर्य ऐसे लग रहे हैं जैसे पूरे संसार को ये बधाई दे रहे हो। गांव में कितनी हलचल है, सब जगह हलचल है। क्यों हलचल है? क्योंकि हर कोई ईद मनाना चाहता है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। देखो, हमारे भी जब जैसे हिंदुओं में दिवाली होती है तो हम किस तरह से एक्साइटेड होते हैं कि आज ये करेंगे, नए कपड़े पहने, अगर नहीं है तो इधर उधर भागा भागी, यानी ये सारी सिचुएशन उसके साथ भी हो रही है। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।